हाय व्यूअर्स, बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के फर्स्ट वीडियो में हमने फ्यूचर्स के बारे में कुछ बेसिक बातें डिस्कस करी थी। आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। जब हम फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं और हम इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलायंस का लॉट साइज 1000 यूनिट्स का है। इसी तरह अगर हम बाकी स्टॉक्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हिंडाल्को, उसका 3500 का लॉट साइज है, TCS उसका 500 का लॉट साइज है, और इसी तरह बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ये लॉट साइज एक्सचेंज डिसाइड करता है। एक्सचेंज हमारे केस में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE। NSE और BSE ही मार्जिन भी डिसाइड करता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था और उसके ऊपर हमने जो सेपरेट एक वीडियो भी बनाया हुआ है। तो अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग शुरू करनी है तो मेरा पर्सनल एडवाइस आप लोगों को यह रहेगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक ना करके आप किसी इंडेक्स में ट्रेड करें। फॉर एग्जाम्पल जो बहुत पॉपुलर इंडेक्स है, जिसमें बहुत लिक्विडिटी भी है और जो बहुत इजीली ट्रेडेबल है, वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी। मैं आपको इंडेक्स में इसलिए ट्रेड करने के लिए एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि जो फ्यूचर्स के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझने पड़ेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, वो आप अलग अलग स्टॉक्स में समझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप एक इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेंगे उसमें आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल मार्जिन का कॉन्सेप्ट, MTM का कॉन्सेप्ट या रोल ओवर का कॉन्सेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइज का कॉन्सेप्ट, इस तरह के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जो आप लोगों को समझने पड़ेंगे। तो अगर आप एक इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोगों को इंडेक्स से शुरू करना चाहिए, तो दो सबसे पॉपुलर इंडेक्स जो मैंने मेंशन किए वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी। इनमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहती है। लिक्विडिटी से मतलब क्या है मेरा, मतलब बायर्स और सेलर्स बहुत इजिली अवेलेबल है। जो इलिक्विड स्टॉक होगा या इंडेक्स होगा उसमें अगर आप खरीदने या बेचने जाएंगे तो आपको सामने वाली पार्टी मिलेगी ही नहीं, मतलब बायर या सेलर मिलेगा ही नहीं, तो आप लोगों को बहुत वेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का लॉट साइज 75 यूनिट्स का है और बैंक निफ्टी का लॉट साइज 40 यूनिट्स का है। तो अगर आपने 11,500 पे निफ्टी बाय करी, मतलब निफ्टी का एक लॉट बाय किया और आपने उसको 11,600 पे सेल किया, तो आपको ₹7,500 का गेन होगा, 75 × 100। तो अगर आप देखें निफ्टी का एक लॉट का मार्जिन जो है वो 75 से 80,000 का रहता है। तो अगर आपने एक दिन में ₹80,000 पे ₹7,500 बना लिए हैं तो ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न हो जाता है, विच इज अनहर्ड ऑफ। अगर हम FD से कंपेयर करें तो आपको पूरे साल में 7 या 7.5% का प्री टैक्स रिटर्न मिलता है, और अगर आप 30% ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो वो रिटर्न आपका 5.5 या 6.5% ही रह जाता है। तो अगर हम डिसाइड करते हैं कि हम फ्यूचर्स में ट्रेड करने को तैयार हैं तो कुछ बेसिक चीजों का हमें खास ख्याल रखना होगा। अगर हमें ये लगता है कि हमारे पास फंड्स बहुत ज्यादा है और सिर्फ इस बेसिस पे हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करने को तैयार हैं तो ये बहुत गलत परसेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 15 लाख रुपीज है और आप ये सोचेंगे हम फ्यूचर्स में ट्रेड करने को तैयार हूँ, तो वो गलत है। फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस लगाए आपको बहुत मैसिव लॉस हो सकता है। स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट को हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है जिसका लिंक अभी आपके सामने आ जाएगा। तो अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस आज 1250 है और जैसे कि आपको पता है उसका लॉट साइज 1000 यूनिट्स का है, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 12,50,000 हो जाएगा। तो सपोज अगर आपके पास 15 लाख रुपीज है और आप यही सोच के आप फ्यूचर में ट्रेड ले लेते हैं और सपोज रिलायंस का स्टॉक ₹50 नीचे आ जाता है और आप स्टॉप लॉस अगर आपने सपोज 1220 का सोचा हुआ है और वो आप नहीं लगाते हैं, तो आप सडनली ट्रेडर से अपने आप को इन्वेस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब तक आपका कॉस्ट प्राइस वापस नहीं आएगा आप एग्जिट नहीं करेंगे, और जब तक आपका कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा आप एग्जिट नहीं करेंगे, आप उस ट्रेड में अननेसेसरली बने रहेंगे। ट्रेड सेटअप आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो आप एक रैशनल ट्रेड को आपने एक होप ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप यही उम्मीद लगाए रहते हैं कि किसी तरह रिलायंस ₹1280 या ₹1300 हो जाए सो दैट आप प्रॉफिट में निकल सके। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अगर हम ये मान लें कि एक्सपायरी आने तक आपका कॉस्ट प्राइस भी नहीं आता है तब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने एक माइंडसेट बना लिया है कि मुझे लॉस बुक करना ही नहीं है, तो आपके साथ क्या होगा, अब आपको नेक्स्ट सीरीज में इस पोजीशन को रोल ओवर करना होगा। रोल ओवर मींस आपकी अभी बाय पोजीशन है,
आपको नेक्स्ट सीरीज में भी बाय पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको पहले इस पोजीशन से एग्जिट करना होगा, फिर आपको नेक्स्ट सीरीज में एक और बाय पोजीशन क्रिएट करनी होगी। सपोज एक्सपायरी वाले दिन रिलायंस का प्राइस 1230 है और आप 1230 पे सेल कर देते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट सीरीज में आपको उसको खरीदना पड़ेगा वापस से। तो जो नेक्स्ट सीरीज में जो प्राइस चल रहा होगा वो जनरली करंट सीरीज से प्रीमियम पे होता है। फॉर एग्जाम्पल करंट सीरीज में अगर 1230 है तो हो सकता है नेक्स्ट सीरीज में वो 1240 या 1235 ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। तो अगर आप खरीद भी लेते हैं इस होप में कि कभी ना कभी तो आपका डिजायर्ड प्राइस आएगा 1300 1350, जो भी आपके दिमाग में है, तो आपने किया क्या, बेसिकली जो आपने 1250 में खरीदा था आपने 1230 में एग्जिट किया, अब आपने उसको नेक्स्ट मंथ में 1235 पे दोबारा बाई किया, तो इफेक्टिवली जो आपकी कॉस्ट 1250 थी वो बढ़ के 1255 हो जाएगी अगर मैं बाकी सारी कॉस्ट को इग्नोर भी कर दूं तो। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकरेज, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये सारी सर्विस टैक्स, ये सारी चीजें इग्नोर कर दूं, उसके बाद भी मिनिमम जो आपकी कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी वो 5 रुपीज से बढ़ जाएगी। तो जब मेरी कॉस्ट 1255 हो जाएगी तो इफेक्टिवली हमने किया कुछ नहीं, हम सिंपल उस पोजीशन में बने रहे। और इस तरह अगर हमें हर महीने अपनी पोजीशन को रोल ओवर करना पड़ा तो हर बार हम कुछ प्रीमियम देके पोजीशन को रोल ओवर करेंगे, तो इस तरह अगर 5-6 महीने तक हमारा कॉस्ट प्राइस नहीं आता है तो इफेक्टिवली मेरी कॉस्ट बढ़ के मेरे टारगेट प्राइस तक पहुंच जाएगी। अगर मेरा टारगेट प्राइस 1300 रुपए था तो मेरी कॉस्ट बढ़ बढ़ के 1300 रुपीज हो जाएगी अगर मुझे 5-6 महीने तक इसे रोल ओवर करना पड़ा। अगर आपको ये प्रीमियम अवॉइड करना है तो फिर आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, आपको इसे कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैश में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको 1000 शेयर कैश में खरीदने पड़ेंगे और उसके लिए आपको 12.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो हम कहां से शुरू हुए थे, हमने एक छोटा सा ट्रेड लेना था जिसमें हमको कुछ 25-30 हजार रुपए बनने थे, बट हम लोग रिलायंस के स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए क्योंकि हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम एक ही एक्सपायरी में पोजिशन बना के उसी एक्सपायरी में एग्जिट करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस हमारा बुक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1250 पे रिलायंस बाई किया था और 1230 पे उसे हमने लॉस में एग्जिट किया तो हमें 20 रुपीज का लॉस हुआ, 20,000 रुपीज बेसिकली 20 × 1000 जो रिलायंस का लॉट साइज है। बट जस्ट फॉर आर सेटिस्फेक्शन जब हम उसे रोल ओवर करते हैं तो हमने 1235 पे रोल ओवर किया, हमने एक नई बाई पोजिशन बनाई। तो अगर हमने उसी सीरीज में उसे 1300 पे एग्जिट किया तो इस नए ट्रेड में हमें 65 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 65,000 का। तो फॉर टैक्सेशन पर्पसेस हमारा नेट गेन वुड बी 45,000 रुपीज, 20,000 हमें पिछली सीरीज में लॉस हुआ था, इस सीरीज में हमें 65,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो जो हमारा नेट गेन है वो 45,000 रुपीज का होगा। तो ये टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट को हम एक सेपरेट वीडियो में अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर में ट्रेड करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्जिन का, हालांकि हमने मार्जिन का एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है बट मैं आपको इस वीडियो में भी मार्जिन के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग ट्रेड लेते हुए ध्यान रख सकें। मार्जिन एक्सचेंज डिसाइड करता है, हमारे केस में NSE और BSE। तो एक्सचेंज की जो रिक्वायरमेंट है वो डेली बेसिस पे चेंज हो सकती है। रोज सुबह ट्रेड शुरू होने से पहले एक्सचेंज एक लिस्ट निकालता है जिसमें मेंशन होता है कि हर स्टॉक का या इंडेक्स का क्या मार्जिन रहेगा, वो मार्जिन आपको कंप्लाई करना पड़ता है और तभी आप ये पोजिशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं या पुरानी पोजिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का जो मार्जिन है वो उसके बीटा पे भी बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निफ्टी को किसी स्टॉक से कंपेयर करूंगा तो निफ्टी ज्यादा स्टेबल है, तो जो निफ्टी की जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, फॉर एग्जाम्पल 8-10%, और किसी स्टॉक की 15-18% भी हो सकती है। सिमिलरली अगर मैं दो स्टॉक्स को कंपेयर करूंगा तो उस केस में भी रिलायंस का जो मार्जिन होगा, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू अ हाईली वॉलेटाइल स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कैपिटल या अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस और रिलायंस कैपिटल का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा वो हमेशा रिलायंस इंडस्ट्रीज से हमेशा ज्यादा रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इनकेस अगर आपको वीडियो में कुछ कमियां भी लगी हैं तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकें।